अंकित कॉमर्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकित कॉमर्स। आज मैं आप सभी को इडियम्स एंड फ्रेजेस जो लेटर बी से स्टार्ट होते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है ब्रिंग टू लाइट, जिसका मतलब होता है डिस्क्लोज, दिखाना या उजागर करना। सेकंड है हमारा ब्रेड एंड बटर, जिसका मतलब होता है मटेरियल वेलफेयर, मींस ऑफ लाइवलीहुड, भौतिक भलाई। थर्ड है हमारा बाय एंड बाय, मतलब स्लोली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, धीरे धीरे। फोर्थ है हमारा बैक स्टेयर गॉसिप, जिसका मतलब होता है टॉकिंग अमंग सर्वेंट्स या अनफेयर टॉक, नौकरों के बीच का गपशप। फिफ्थ है हमारा बैक एंड फोर्थ, जिसका मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे। सिक्स्थ है हमारा बैड ब्लड, जिसका मतलब होता है एनमिटी या बिटर रिलेशन, शत्रुता। सेवेंथ है बैग एंड बैगेज, जिसका मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। एट्थ है बैकर्स डजन, जिसका मतलब होता है 13 इन नंबर, संख्या में 13। नाइन्थ है हमारा बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में पैदा होना। टेंथ है हमारा बी इन द ड्राइविंग सीट, जिसका मतलब होता है बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। इलेवेंथ है बियर द बर्नट ऑफ, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, परिणाम भुगतान भुगतना। ट्वेल्थ है बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या सरकम लोक्यूशन, घुमा फिरा कर बातें करना। नेक्स्ट है 13th बीट ब्लैक एंड ब्लू, जिसका मतलब होता है बीट मर्सिलेसली, अत्यधिक पिटाई करना। 14th है हमारा बीट द रिकॉर्ड, टू डू बेटर देन एवर बिफोर, पहले से अधिक अच्छा करना। 15th है हमारा बीट हॉलो, जिसका मतलब होता है टू बीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। 16th है हमारा बैक एंड कॉल, जिसका मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, आज्ञा में रहना। 17th है बेड ऑफ रोजेज, जिसका मतलब होता है प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आनंद से भरपूर। 18th है हमारा बेड ऑफ थॉर्न्स, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। 19th है बेगर डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है अ पर्सन विद नो सोर्स, अवर्णीय। 20 है बेल द कैट, टॉकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, जोखिम उठाना। 21 है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जिसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो गंभीर परेशानियों के बीच। 22 है बिटवीन स्काइला एंड चैरिबडिस, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो गंभीर परेशानियों के बीच। 23rd है हमारा बिग गन, जिसका मतलब होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन,
ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। 24th है हमारा बर्ड ऑफ पैसेज, जिसका मतलब होता है वन हु कम्स ओकेजनली, यदा कदा आने वाला। 25th है बर्ड्स आई व्यू, मतलब ओवरव्यू, सरसरी निगाह। 26th है हमारा बर्ड्स ऑफ फेदर, पीपल विद द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, एक ही प्रवृत्ति के लोग। 27th है बाइट द डस्ट, टू बी डिफिटेड, पराजित होना। 28th है ब्लैक शिप, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एट डिस्कार्स ऑफ हिज फैमिली या टीम एक्सेट्रा, ऐसे ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। 29th है हमारा ब्लाइंड एली, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं। 30 है हमारा ब्लाइंड डेट, जिसका मतलब होता है अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। 31 है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जिसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। 32 है ब्लू ब्लड, जिसका मतलब होता है रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, शाही व्यक्ति। 33 है हमारा ब्लू बुक, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट। 34 है हमारा बॉडी एंड सोल, एंटायर, जिसका मतलब होता है एंटायरली, पूर्णतया। 35th है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, आकस्मिक विपत्ति। 36 है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की वस्तु या कारण। 37 है हमारा बोन या ब्लेसिंग्स इन डिस्गज, जिसका मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग्स, छिपा हुआ वरदान। 38 है हमारा बॉसम फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिगरी दोस्त। 39th है हमारा ब्रेक द आइस, जिसका मतलब होता है ब्रेक द साइलेंस या टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। 40th आखिरी है हमारा ब्रेथ वंस लास्ट, जिसका मतलब होता है टू डाई या मरना।